सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड भाई ये वीडियो एचयू मैक्स स्पेशल होने वाला है, बिकॉज एचयू मैक्स अब चेंज होकर मैक्स हो चुका है। तो दैट्स व्हाई बहुत सारी चीजें बदली हैं। इंडिया लॉन्च को लेकर इसका क्या स्टेटस है, कौन कौन से नए शोज की अनाउंसमेंट हुई है, सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। तो भाई अलॉट टू नो अलॉट टू डिस्कस, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे देन वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखो यार, इस बात में कोई भी शक नहीं है कि एचयू मैक्स के जितने भी कंटेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा सॉलिड होते हैं। अगर आप लोगों ने अमेज़न प्राइम के ऊपर इनके रिसेंट में कुछ लाइक रिलीज शोज को देखा होगा, देन आप लोग को आइडिया लग गया होगा कि हाँ भाई एचयू भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग शोज को बनाता है। अभी रिसेंटली तो एचयू मैक्स का जो एक तगड़ा शो था द लॉस्ट ऑफ अस, डिज्नी के ऊपर से हट गया है। अदरवाइज अगर आप लोगों ने उस शो को भी देखा होगा तो आप लोग को पता चलेगा कि हाँ भाई वीएफएक्स वाइज या फिर जो आप लोग को सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलती है या बजट वाइज भी इनके शोज बहुत ज्यादा ग्रैंड होते हैं। एंड इसी वजह से बहुत टाइम से ऑडियंस की डिमांड रही है कि भाई इनके जो शोज है उनको इंडिया के अंदर हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज करना चाहिए। लेकिन वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही थी कि जब मेन प्लेटफॉर्म ही उस कंट्री में अवेलेबल है, देन इनके शो कैसे आप लोग को हिंदी में देखने को मिलेंगे। बट अभी लग रहा है कि ये जो सिनेरियो है वो चेंज होने वाला है, क्योंकि अगर आप लोग को एचयू मैक्स का थोड़ा सा पास नहीं पता है तो भाई ये आता है वार्नर ब्रोस के अंदर, जो कि अब डिस्कवरी के साथ मर्ज हो चुका है। एंड डिस्कवरी के मर्जर के चक्कर में ही ये जो एचयू मैक्स है जो कि अभी तक इंडिया में लॉन्च हो जाना चाहिए था वो इतना ज्यादा डिले हुआ है, क्योंकि एक टाइम पे तो एशिया को लेकर एक पूरी की पूरी टीम भी बना दी गई थी, बट बाद में पूरा का पूरा प्लान पोस्टपोन हो गया था क्योंकि ये जो नया मर्जर हुआ था डिस्कवरी के साथ वार्नर ब्रोस का, उसके चक्कर में बहुत सारे लोगों की पोजीशंस चेंज हुई थी एंड उसकी वजह से इन सारे लाइक प्लान्स के ऊपर भी इंपैक्ट हुआ था। एंड बताया जा रहा था कि भाई अब आप लोग को जो डिस्कवरी प्लस का मर्जर है वो एचबीओ के साथ देखने को मिलेगा। पहले तो लग रहा था कि शायद ये चीज आप लोग को देखने को ना मिले, बट जैसे जैसे अपडेट आई उससे लग रहा था कि हाँ अब इसकी पॉसिबिलिटी बन गई है। एंड फाइनली अब ये जो मर्जर है वो कंप्लीट हो चुका है। एंड अच्छी खबर ये है कि भाई इसका जो पहला रोल आउट है वो 23rd of May को यूएस के अंदर कर दिया जाएगा। एंड यहाँ पे इंडिया को लेकर अच्छी चीज क्या है वो ये है कि इंडिया के अंदर ऑलरेडी जो अपना डिस्कवरी है वो रन कर रहा है अपने डिस्कवरी प्लस को। एंड अब जब डिस्कवरी का ही मर्जर हो रहा है एचबीओ के साथ, तो डेफिनेटली आप लोग को इंडिया के डिस्कवरी का भी मर्जर देखने को मिलेगा। तो मतलब कि इनडायरेक्टली अब एचबीओ मैक्स को इंडिया में लॉन्च होना ही है। एंड एशिया के अंदर तो भाई इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, तो भाई ये लोग इंडिया को लाइटली भी नहीं लेंगे। इंडिया को लेकर भी इनको कुछ नए शोज को लाना पड़ेगा एंड कुछ पुराने शोज को हिंदी में भी डब करना पड़ेगा, खासतौर से गेम ऑफ थ्रोन्स, जिसकी बहुत टाइम से डिमांड थी। बहुत टाइम से फैंस लोग चाहते थे कि ये शो आप लोग को हिंदी में देखने को मिले। एंड एक टाइम पे भाई एचबीओ वालों ने कोशिश भी करी थी शो को हिंदी डब करने की, लेकिन उस टाइम तो बात नहीं बनी थी। बट मेरे को लगता है कि जब इनका ओटीटी प्लेटफॉर्म आएगा तो इनको भाई इन शोज को हिंदी में जरूर डब करना चाहिए, जिससे कि इनकी ही लाइक फ्री में पब्लिसिटी होगी। अब देखो एचयू मैक्स जैसे मैक्स में कन्वर्ट हुआ है तो उसके बाद इसके जो नए शोज हैं उनकी भी अनाउंसमेंट धड़ल्ले से हो गई है। 40 शोज अराउंड बताया जा रहा है कि हर महीने रिलीज करे जाएंगे। 40 शोज के तो मेरे पास डाटा नहीं मिला है, लेकिन अभी देखो तीन बड़े शोज जिनके लिए इंडियन ऑडियंस भी एक्साइटेड रह सकती है, उनमें से सबसे बड़ा शो है हैरी पॉटर की स्पिन ऑफ सीरीज। तो यस, ये जो शो है आप लोग को देखने को मिलेगा। एंड बताया जा रहा है कि जब तक ये शो आएगा तब तक जो अपना मैक्स है वो इंडिया में भी लॉन्च हो जाना चाहिए। इसी के साथ ही आप लोग को भाई जो अपना गेम ऑफ थ्रोन्स है उसकी भी एक नई स्पिन ऑफ सीरीज देखने को मिलेगी। बताया जा रहा है कि इसके अंदर भी आप लोग को भाई स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिलने वाली है, मे बी ये जॉन स्नो की सीरीज हो सकती है। इसी के साथ ही जो एक नई पेंगुइन वाली सीरीज आ रही है डीसी की, उसका भी एक काइंड ऑफ ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। एंड ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो मैं चैनल के स्टाम पे भी पोस्ट करता रहता हूँ, तो आप लोग उधर भी जाके फॉलो कर लेना, बिकॉज कभी कभी छोटी मोटी जो अपडेट्स होते हैं मैं उधर तुरंत शेयर कर देता हूँ। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप लोग चाहो तो जाके फॉलो कर सकते हो। अब देखो अगर लास्ट में बात करें कि कितना टाइम लगने वाला है मैक्स को इंडिया में रिलीज होने को लेकर, तो मैंने आप लोग को बताया कि अराउंड एक साल का टाइम लगेगा। एंड एज ऑफ नाउ जितना हमको पता चला है तो आप लोग को साथ एक साल से थोड़ा एक दो महीने और ज्यादा वेट करना पड़े, क्योंकि अभी बताया जा रहा है कि 2024 के लास्ट क्वार्टर तक ये आप लोग को इंडिया में लॉन्च होता हुआ देखने को मिलेगा। क्योंकि जैसा मैंने आप लोग को बताया कि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है एंड डिस्कवरी प्लस का भी ऐसा इंडिया में कोई बहुत ज्यादा लाइक सब्सक्रिप्शन बेस है नहीं, तो उसके लिए डेफिनेटली ये लोग रिसर्च करेंगे, प्लानिंग करेंगे। एंड एशिया को लेकर एक अलग टीम ही हमेशा सेटअप होती है, तो उन समय भी टाइम तो लगने वाला है। तो आगे देखते हैं कि भाई इनका जो मैक्स वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म है वो कितना ज्यादा सक्सेसफुल होता है, क्योंकि एक साल के अंदर तो हम लोग को डाटा पता चल ही जाएगा। तो आगे जो भी चीजें होंगी मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। सो वीडियो एंड करने से पहले एक और चीज, काफी सारे लोग की क्वेरीज आ रही थी कि डिज्नी के ऊपर से जो एचबीओ के शोज को हटाया गया है वो आप लोग को किस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगे। तो देखो भाई अगर एक साल रहा मैक्स को इंडिया में लॉन्च होने में, देन आप लोग को अभी शायद बहुत लंबा वेट करना पड़े, सर डायरेक्टली आप लोग को फिर मैक्स के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सारे शोज जाते हुए देखने को मिले। अदरवाइज अमेज़न प्राइम एक बड़ा कंटेंडर बताया जा रहा है, बिकॉज अमेज़न प्राइम के ऊपर ऑलरेडी डीसी के बहुत सारे शोज हैं, तो शायद आप लोग को उधर ये शोज जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। आगे इनके ऊपर जैसे मेरे को और भी अपडेट्स पता चलेंगे मैं आप लोग को इन्फॉर्म करता रहूंगा। अभी करंटली यही कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे को इसके ऊपर मिली हुई थी। आप लोग बताना कि कौन सा ऐसा शो है जिसको आप लोग सबसे पहले हिंदी में देखना चाहते हो, एंड आप लोग का एचबीओ का अभी तक का सबसे फेवरेट शो कौन सा रहा है, उसको भी आप लोग चाहो तो शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए अभी करंटली स्टूडियो बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा देन वीडियो को लाइक कर देना,
हैं, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आप लोग से अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय, पीस ऑफ।